मुझे जब अटैकर ने थप्पड़ मारा था, मुझे दर्द नहीं हुआ था। जब मेरे ऊपर 20 सड़क पर तेजाब फेंका गया, मुझे दर्द नहीं हुआ था। मेरे शरीर का चमड़ा जलती हुई प्लास्टिक की पॉलिथीन की तरह टपक रहा था, मुझे दर्द नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में नस ना मिलने पर मेरे पैरों का मांस काटा गया, मुझे दर्द नहीं हुआ था। होशो हवास में मेरी आंखों को सिला जा रहा था, मुझे दर्द नहीं हुआ था। ऑपरेशन के वक्त मेरे शरीर के अलग अलग जगह के मांस काटे गए, मुझे दर्द नहीं हुआ था। साल तक मैंने अपने चेहरे को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे दर्द नहीं हुआ था। समाज बोल रहा था, लड़की है इंजेक्शन लगवाकर मरवा दो, मुझे दर्द नहीं हुआ था। पहली बार खुद को शीशे के सामने देखा, देखते ही मन में आया आत्महत्या कर लो, मुझे दर्द नहीं हुआ था। पापा से मैंने कहा, मुझे नहीं जीना इस चेहरे के साथ, मुझे इंजेक्शन लगवा कर मरवा दो, मुझे दर्द नहीं हुआ था। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा तो मैं इसी चेहरे से प्यार होगा। मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे दर्द नहीं हुआ था। मुझसे बाहर निकलने का हक छीन लिया गया, मुझे दर्द नहीं हुआ था।
सिंगर बनने का सपना छीन लिया गया था, मुझे दर्द नहीं हुआ था। लड़की लड़की का दर्द समझती है ये कहा जाता है। लड़कियां ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी, मुझे दर्द नहीं हुआ था। कस्टमर डरेंगे तुम्हें देखकर, ये बोलकर मुझे नौकरी नहीं दी गई, मुझे दर्द नहीं हुआ था। मेरे पापा की डेथ हो गई, मुझे दर्द नहीं हुआ था। मुझे दर्द नहीं हुआ था। मेरे भाई की डेथ हो गई, मुझे दर्द नहीं हुआ था। कुछ बदल गया है, मैं आज नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। कैसे जीती हूँ ये सिर्फ मुझे पता है और उन सबको पता है जिसने दर्द सहा है। अब मुझे दर्द नहीं होता है, ये गलत फहमी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। मुझे आज भी दर्द होता है, इसलिए आज द लक्ष्मी फाउंडेशन बनाया गया है ताकि कोई और ये ना कहे मुझे भी दर्द होता है। सो गाइज, मुझे पता है कि एवरी ईयर मैं आप लोगों के साथ एक फ़ोटो, एक वीडियो हमेशा शेयर करती हूँ। हर साल 22 अप्रैल को मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने कभी शेयर नहीं की है। मैं 22 अप्रैल को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, मैं बहुत हर्ट रहती हूँ। और इस साल मैं 22 अप्रैल को कुछ शेयर नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि इस साल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और है भी अभी भी। आप लोग ज़रूर प्रेयर करिएगा कि मेरी मदर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे आज का दिन मीन्स कि मुझे 22 अप्रैल, मैं अभी भी उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं उस चीज़ को आज का दिन बोल रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक होता है, आसान नहीं है भूलना। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने और अटैक्स को होते देखती हूं तो वही चीज़ रिपीट होती है, मुझे भी वही दर्द लगता है। जब मैं किसी सर्वाइवर को उस बेड पे देखती हूं, वो इंजेक्शन लगते हुए देखती हूं, वो सर्जरीज देखती हूं, तो बहुत पेनफुल होता है वो पल। तो इसीलिए लगता है कि नहीं, अब नहीं, अब बस। जो चीज़ मैंने सही है उस वक्त में वो कोई और ना सही। इस वीडियो के जरिए हमने ये कोशिश करी है कि मतलब उस पेन को ना आपको दिखाया जा सके कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस वीडियो में एक चीज़ और भी डाली गई है, मेरा वो जो बैक प्रॉब्लम है, जो मेरी स्किन जहाँ जहाँ से निकाली गई है, क्योंकि ये स्किन आप लोग सामने से देखते हैं लेकिन जो चीज़ अंदर से है, जो प्रॉब्लम अंदर से है, वो दिखती नहीं है, इसीलिए शेयर किया गया है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों? उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग आज भी बाहर नहीं निकल पाए और इस दर्द से कर्रा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आई होप ये मैसेज आप लोगों को मैं अच्छे से दे पाई हूँ। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक मोटिवेशन दे सकूँ, जो मैंने सहा है वो कोई और ना सहे, आज जो लक्ष्मी है कोई और ना बने। और बहुत सारी गलत फहमी है लोगों को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेम मिल गया है, मुझे फेम मिल गया है और तुम मुझे खुश होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि कोई बात नहीं,
मेरे पिता को खोना कोई बात नहीं, मेरे ब्रदर को खोना कोई बात नहीं। एक माँ ने, एक वाइफ ने सब कुछ खो दिया, एक बेटी ने सब कुछ खो दिया, चेहरे के साथ साथ पूरा परिवार खो दिया। इससे ज्यादा और क्या? अगर किसी को इन सब जरिए से, दर्द से फेम मिलता है तो नहीं चाहिए ऐसा फेम। और हाँ, मैं आज आप लोगों की गलत फहमी दूर करने आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में, अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो मैंने फेम पाने के लिए नहीं किया। मुझे फेम की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, मैं क्लियर कर दूँ आपको। जब मैं बाहर निकली, ये सोच के निकली थी जो मैंने सहा है वो कोई और ना सही। तो प्लीज़ मेरे दर्द को फेम का नाम मत दीजिए। जो भी आज मुझे मिला है वो मेरा नसीब है, और जो भी मुझे मिला है वो मेरी मेहनत है, जो भी मुझे मिला है वो मेरी हिम्मत है। तो मेरी हिम्मत को, उसको फेम मत बोलिए। सो गाइज, ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। और ये वर्ड्स उनके लिए थे जो ऐसे थॉट्स रखते हैं, और बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं जो मुझे आज तक सपोर्ट करते आए हैं और कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो स्ट्रांगली हो, हर एक तरीके से। सो मेरे अराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो चाहे मेरी फैमिली है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक यू द लक्ष्मी फाउंडेशन का पार्ट बनने के लिए और लक्ष्मी को हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ के आइए और ऐसे ही सपोर्ट करिए, ताकि आगे ना कोई निर्भया बने और ना कोई लक्ष्मी। थैंक यू।